नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। मैं अलीशा चनेचा आपके लिए लाई हूं हरियाणा राज्य की कुछ बड़ी खबरें। रोहतक में 25 दिन की पेरोल पर आया पूर्व फौजी पत्नी की हत्या कर खुद फंदे पर लटका। रोहतक के महम से भाजपा टिकट के दावेदार बलराज कुंडू ने दिया जीप चेयरमैन पद से इस्तीफा। सोनीपत में उपायुक्त में चुनाव में पोस्टर पैम्फलेट पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम प्रकाशित करने के निर्देश दिए। गनोर के संवेदनशील गांव में ग्राम सभा का आयोजन कर कृषि विभाग ने किसानों को किया जागरूक। ई ट्रेडिंग के विरोध में पानीपत की अनाज मंडी में आढ़तियों ने किया विरोध प्रदर्शन। पानीपत की सुमेधा भारद्वाज बनी हरियाणा महिला कांग्रेस की कार्यकारी महिला प्रदेश अध्यक्ष। कुरुक्षेत्र जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉक्टर एसएस फुलिया ने कहा चुनाव प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी को पूरी गंभीरता से निभाना सुनिश्चित करे अधिकारी। कनिपला स्थित एनसीसी कैंप में यातायात पुलिस ने पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ। नेशनल हाईवे पर फोर लेन में नया पेच नहरी पानी की पाइपलाइन पर ही एनएचए ने शुरू कर दिया नालों का निर्माण। चुनाव से पहले मनोहर सरकार का ऐलान, भविष्य में नहीं बनेंगे दूर दराज जिलों में परीक्षा केंद्र। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे हरियाणा राज्य के कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।